एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद न्यू अमेजिंग टॉपिक। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से VSCO वो भी स्मूथ ऑप्शन के साथ डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट एनी लैग, एंड आप उसमें एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, रेंडरिंग सब कुछ कर सकते हैं वो भी स्मूथ ऑप्शन के साथ। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछली दफ़ा मैंने एक वीडियो अपलोड की थी लेकिन उसमें कुछ एरर आ रहे थे लिंक पे, जो मतलब वो ना लिंक ज़रा क्रैश हो गई थी जिसकी वजह से। इसका लिंक मैं आपको मीडियाफायर का लिंक दूंगा, वो भी मैं इसके कमेंट में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मेरे पास ये लिंक है, ये किसी और चीज़ की लिंक है, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ। तो मैं आपको मीडियाफायर का लिंक बना के दूँगा ताकि कोई एरर वगैरह ना आए। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसे किस तरह डाउनलोड करनी है, जिसे इस तरह अपने करना है और क्रोम पे आने के बाद पेस्ट करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ओके पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा। ठीक है, लोडिंग लेने के बाद मैं आपको बताता हूँ किस तरह से अपने करना है। आपने मतलब जब आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा उसका मीडियाफायर का, आपको डाउनलोड इधर कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इधर आपने ये सबसे पहले आपने आया, अगर आप पीसी के लिए करना चाहते हैं iOS के लिए, ठीक है, आप डाउनलोड VSO पे क्लिक करें। VSO पे क्लिक करने के बाद थोड़ी सी ये लोडिंग लेगा, या अगर ये कभी कभी थोड़ा सा गार्ड रहता है तो आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये भी थोड़ा लोड हो रहा है तो इसे लोड होने देते हैं। तो इस तरह कुछ ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, थोड़ा सा लोड हो रहा है, हम रिफ्रेश करते हैं, ये थोड़ा सा इंटरनेट का मसला हो रहा है, तो हम इसे दोबारा लोड करने के बाद हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ये देखिए आपको इस तरह आएगा, थोड़ा सा आपने नीचे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है, ये डाउनलोड वाला ऑप्शन आ गया। इसके ऊपर आपने क्लिक करना, एक ऐड आएगा एंड अपने इसे क्लोज कर देना। ठीक है, एंड ये देखें आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया, जो कि मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ। ठीक है, तो आपने इसे डाउनलोड, ये तो मैं थोड़ा सा परफेक्ट थोड़ा हाई ट्रिक टफ तरीका, तो मैं इसका डायरेक्ट आपको जो इसका ऐप का लिंक है वो मीडियाफायर के साथ कनेक्ट कर, वो आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, या आपका इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसे कैंसिल करता हूँ एंड चलते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर। मैं वहाँ पे आपको बताता हूँ कि अपने किस तरह इसे इंस्टॉल करना है, फिर इसका लॉगिन प्रॉब्लम वो सॉल्व करते हैं, फिर आपको मैं एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ, सबको मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर। जी गाइस, तो हम देखें अपने फ़ोन की स्क्रीन पर आ गए हैं। तो सबसे पहले आपने इधर जाना है फाइल मैनेजर पर। ठीक है, वो मैंने PC से इधर ट्रांसफ़र कर लिया था। ये देखिए हमारे ये VSCO आ गया, तो इसके ऊपर अपने सिंपल क्लिक करना है पैकेज इंस्टॉलर पर, एंड ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा एंड अपन इसे इंस्टॉलिंग कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉलिंग में थोड़ा सा ये वेट लेगा, तो अपने थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने तक आपने जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है वो सब्सक्राइब करें एंड डन पे क्लिक करें एंड इसे बैक आ जाएँ। ठीक है, बैक आने के बाद ये हमारे पास ये देखिए VSCO आ गए थे, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो मैं थोड़ा सा इधर अपने ये इधर मुश्किल बात समझने वाली बात अब अपनी इधर करनी है, अपने वीडियो स्किप नहीं करनी, अपने डायरेक्ट जाकर डाउनलोड नहीं करना। ठीक है, डाउनलोड करेंगे तो आपको ना लॉगिन होगा आपके पास, ना एक्सपोर्ट होगा। ठीक है, तो अब आपने करना है कि आपने कंटिन्यू विद गूगल पे आप क्लिक करेंगे, आपको कॉर्ग में दिखाता हूँ। गूगल के साथ क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा, तो आपके ये जितने पे आपके गूगल अकाउंट है वो आपको दिखाएगा। ठीक है, अगर नहीं आता तो ये इस VSCO का मसला। ठीक है, आ गया तो अपने ये मेरा अकाउंट है, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है एंड इधर कुछ एरर आएगा, देर वॉज ए कनेक्टिंग टू योर अकाउंट। ठीक है, इधर ये आपने एरर देख लिया, अब आपने करना क्या है, इसके ऊपर टिक करना है एंड सी मोर ऑप्शन। ठीक है, इधर गूगल के साथ भी करेंगे नहीं होगा, फेसबुक के साथ करेंगे तब भी नहीं होगा, फ़ोन के साथ या ईमेल के साथ करेंगे तब भी नहीं होगा। अपने स्नैपचैट के साथ क्लिक करना है, साइन अप विद स्नैपचैट, अपने स्नैपचैट डाउनलोड कर लेना है, उस पर अपने अकाउंट बना लेना है एंड देन आप अगर आपका ऑलरेडी है तो देन आप सिंपल क्लिक करें एंड ऑलरेडी आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है कि आपने इधर डिस्प्ले नेम दे या ना दे, आपका कोई मसला नहीं, अपने सिंपल कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद सिंपल आपके पास ये इधर थोड़ा सा लोडिंग लेगा एंड ये देखें ये आपका आ गया। ठीक है, ये आपका VSCO आ गया। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपको मैं इसे इंपोर्ट करता हूँ देन आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, एंड प्लस पे क्लिक करते हैं, प्लस पे क्लिक करने वीडियोज़ में आते हैं एंड वीडियोज़ में कोई भी वीडियोज़ जैसे कि ये वाली वीडियो में ले लेता हूँ एंड इम्पोर्ट। ठीक है, इम्पोर्ट करने के बाद ये आपका प्रीमियम वर्जन है। ठीक है, इस पर आपको कोई पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपने कोई भी इसका देना नहीं है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद इधर शो हो रहा हो,
कि ये प्रीमियम है कि नहीं है। इधर इसकी सेटिंग में जाएं, ये आपको प्रीमियम है। आपको प्रीमियम कोई मतलब कोई मसला नहीं आपको आएगा। स्मूथ ऑप्शन में आप तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसके एडिट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। एडिट पे क्लिक करने के बाद इसमें स्टॉप थोड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। एंड आपने इधर ये आना टूल्स एंड स्पीड, ठीक है। ये ठीक है, ये आपकी स्पीड, इसको आप आगे करेंगे ये तेज़ होगा, ठीक है। ये देखिए अब आपने करना क्या है कि आपने बैक करना है 0.6। ये देखिए स्मूथ वाला ऑप्शन आ गया, ठीक है। और ये सेम काम भी कर रहा है अच्छे से, ये देखिए कितना स्मूथ हो रहा है। पीछे करेंगे आप और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। ये हमने स्मूथ कर लिया जी, ठीक है। इधर आपने टिक पे क्लिक करना है, एंड टिक पे टिक करने के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट पे ऊपर क्लिक करना है इसे सेव करने के लिए। एंड ये पोस्ट VSCO आएगा, इसे आपने ऑफ़ कर देना है, ठीक है। ऑफ़ करने के बाद सेव पे क्लिक करना है। एंड ये थोड़ा सा रेंडरिंग में आप लेगा, जितना आपका फ़ोन तेज़ होगा या फास्ट होगा उतना आपका रेंडरिंग मिलेगा, ठीक है। मैंने इसे फिर स्मूथ और स्मूथ ऑप्शन के साथ इसे रेंडरिंग कर रहा हूँ, ठीक है। एंड आप देखते हैं कि कितनी देर में रेंडरिंग होता है। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा रेंडरिंग होने वाला, बस ये देखिए ये ऊपर आ गया सेव वीडियो सेव टू गैलरी, ठीक है। अब अपने इस गैलरी में हम आपको जो आगे दिखा देता हूँ, ये हमारी गैलरी आ गई है। और ये देखिए ये 1.4 वीडियो आ गई हमारी, 1:41 की वीडियो आ गई, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये देखिए कितनी स्मूथ और हमारा हुआ, ठीक है। तो गाइस यही हमारी आज की वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों का शेयर करें। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें।